हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत, और आज हम लोग निकल पड़े हैं हनुमान जी के जन्म स्थान को देखने के लिए, जो कि अंजनेर पर्वत पे हुआ था, जो कि नासिक के एरिया में आता है। और हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं, और अब उस ट्रैक की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं, जो कि लगभग 3 किलोमीटर है, और उसको मॉडरेट ट्रैक कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, और बाद में फिर थोड़ा नॉर्मल प्लेन रास्ता देखने को मिलेगा। मज़ा आएगा इस ट्रैक पे, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं कहाँ हुआ था हनुमान जी का जन्म, दिखाते हैं आपको रास्ते में। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी स्थान पे हुआ था। सकते हैं ऐसा ही रास्ता है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पूरा उस पहाड़ के ऊपर है, पर हमें जाना तो पड़ेगा। चलते हैं, देखिए ये खूबसूरत नज़ारे, हमें वहाँ जाना है। तीन बजे के बाद इधर CISF अलाउ नहीं करते ट्रैकिंग के लिए। ये देखिए पहाड़ों पे बैरिकेडिंग किया हुआ है कि लोग गलती से भी गिर ना जाएं, तो संभल के चलना होगा। ये देखिए ऐसी चढ़ाई है, क्या रास्ता है भाई। देखिए इधर से पहाड़ टूटी तो हमें ले डूबी। ये रहा रास्ता, भाई चला नहीं जा रहा है। मतलब और भी चढ़ाई है। हाँ भाई, जितना आए हो उतना और। हनुमान जी कहाँ पे हैं आप? ओ भाई माशाल्लाह, श्री राम। अरे वो रहा अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जन्म स्थान वाले इधर आगे है। चलते हैं, देखते हैं हनुमान जी का जन्म हुआ कहाँ आखिर में। भाई नीचे से तो आधी रास्ते पूरी सीढ़ी की सीढ़ी थी, चढ़ने में परेशानी हो गई। अब इधर प्लेन मिला तो थोड़ा मजा आ रहा है, स्पीड बढ़ गई हमारी।
3 किलोमीटर का ट्रैक है ये और मजा आ जाएगा। और ये अंजनी माता का मंदिर हम लोग आ चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। लगभग 1 किलोमीटर होगा। हाँ भाई, स्वर्ग जाने का सपना है क्या? तो आपको केदारनाथ जाना पड़ेगा। ऐसे ही चलते रहे बस। और ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के पंजे का निशान है, लग भी बिल्कुल वैसा ही रहा है जो उन्होंने सूर्य को खाते वक्त जो जंप लगाया था, तो एक पैर शायद यहाँ पड़ा था, पर देखने में अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, हमारी मंजिल वहाँ है ऊपर, माता अंजना का मंदिर, और हम वहाँ पहुँच के रहेंगे। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए चारों ओर पहाड़, नदी, मजा आएगा, आने लायक है। इनिशियल फेज अगर इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाए तो फर्स्ट में तो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, दूसरे में प्लेन रास्ते मिलेंगे, तीसरा ये चल रहा है। सो अच्छा है ट्रैक, बढ़िया। जय श्री राम। और अब हम लोग मंजिल के एक और कदम करीब आ चुके हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारे हैं। ओहो भाई साहब, वो देखिए वो नीचे में जो है वो हनुमान जी के पद चिन्हों का सबूत है। देखिए इसी स्थान पे हुआ था अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, वीर बजरंगी श्री हनुमान जी का जन्म। आखिरकार बजरंग बली के जन्म स्थान पे हम लोग पहुंच ही गए। वो देखिए वहाँ हुआ था हनुमान जी का जन्म, वहाँ पे माता अंजना का एक मंदिर है, और हम लोग 2-4 मिनट में वहाँ पहुँच ही जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इस ट्रैक पे। मॉडरेट ट्रैक में ये आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, इस पे चढ़ने में परेशानी, कुछ दूर चल के रुकना पड़ता था। और अब हम लोग अपने मंजिल के करीब आ चुके हैं। ये देखिए इसी पर्वत पे हुआ था वीर बजरंगी महावीर श्री हनुमान जी का
जन्म। यहाँ पे एक मंदिर है जो कि माता अंजना का मंदिर है और इस पर्वत का नाम अंजनेर पर्वत है। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है ये और हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं। ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग के आकार का पत्थरों से बनाया गया है, जो यहाँ ट्रैवल करते हैं वही बनाते हैं बेसिकली। और ये देखिए मंदिर आ चुका है। और फाइनली हम लोग बजरंगबली के जन्म स्थान पर आ चुके हैं। दिखाता हूँ आपको, श्री राम भक्त हनुमान जन्म स्थान ऋषि मुख पर्वत पर स्थित है। जय श्री राम। फाइनली हम लोग हनुमान जी के जन्म स्थान पे पहुंच चुके हैं। जय श्री राम। ये देखिए वो दूर में जो आपको पांव ऐसा नजर आ रहा है ना, वो हनुमान जी के पांव का निशान है ऐसा बोला जाता है। इधर हो भी सकता है